Now in the fifth one, it says without plotting the points indicate the quadrant in which they will lie. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता कैसे है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव, इन द थर्ड क्वाड्रेंट यू हैव इज नेगेटिव नेगेटिव, इन द फोर्थ वन यू हैव इज पॉजिटिव नेगेटिव। सो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो हमारे पास एब्सिसा इज -3, ऑर्डिनेट इज 5, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया मेरा, -3, 5, विच मीन्स दैट इट वुड लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड हमारे पास एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज -3, तो दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। देन वी हैव इज एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज 3, सो नेगेटिव पॉजिटिव इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन वी हैव इज 5, 3, इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, सो इट वुड बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वी शुड नो कि एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होता है और वाई कहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक्स कहाँ पे नेगेटिव होता है और वाई कहाँ पे नेगेटिव होता है। दैट्स हाउ यू कैन टेल अस द क्वाड्रेंट।